मंत्रालय की शपथ ग्रहण के दौरान खुशी का माहौल था। साथ ही एक सवाल, कैसे निपटेंगे बनारस की समस्या से नए मेयर रामगोपाल मोहले। एक तरफ नए मेयर की ताजपोशी तो दूसरी तरफ बनारस शहर और जनता अपने जर्जर व्यवस्था पर आंसू बहा रहे हैं। शहर में बरसात से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। घर से बाहर निकलते समय मन में यह शंका बनी रहती है कि वापस सही सलामत लौटेंगे भी या नहीं। कारण पूरे बनारस शहर में इस कदर खुदे हुए गड्ढे और मेन होल दोनों बाहें फैलाए अपने गले लगाने को तैयार बैठे हैं। वाराणसी का सबसे चहल पहल व अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ने वाला एरिया पांडेपुर, जो एक ऐतिहासिक पुरोधी मुंशी प्रेमचंद के पैतृक निवास लम्ही के रास्ते आजमगढ़ गोरखपुर होते हुए नेपाल जाती है, पिछले 1.5 सालों से अपने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग होने पर शर्मसार हो रहा है। प्रेमचंद के नाम से मशहूर पत्रकार कॉलोनी भी इस दुर्दशा की शिकार है। नगर वासियों के साथ सावन में बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने आए लाखों श्रद्धालुओं को भी इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को अनदेखी कर प्रशासन चुप है। देखना है कि नए मेयर क्या विकल्प निकालते हैं। बनारस से आरजे पांडे के साथ विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश।